तो अभी हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह से एक फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इसका इंटरफेस का इंट्रोडक्शन ले लें। ये हमारा कहलाता है टाइटल बार, यानी कि ये जो हमारे सामने आ रहा है इसको हम कहते हैं क्या, टाइटल बार। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और फाइल का नाम लिखेंगे जो हम सेव करेंगे। ये इसका क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें ये अंडू, रीडू, न्यू, ओपन, सेव के बटन है। ये इसका फाइल मेन्यू है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेवेज के बटन है। इसके अलावा ये पूरा रिबन है इसका, इसको ऑफिस रिबन कहते हैं, जिसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, और भी टैब्स हैं इसके अंदर। इस रिबन को हम यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं और क्लिक करने पे एक्टिवेट होगा। दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, शॉर्ट टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। फाइल में जाके यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं और यहाँ से इसको जाके ब्राउज कर सकते हैं। तो हम बताएंगे हम अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाइए और जाने के बाद वहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लीजिए। मैंने ऑलरेडी अपना एक फोल्डर बना रखा है वर्ड फाइल्स के नाम से और यहाँ पे मैंने जाके एक और नया फोल्डर बना लिया, जैसे कि इस फोल्डर का नाम मैंने रख लिया ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मैंने इसका नाम रख लिया। और इसके अंदर जाके मैंने इस पर अपनी फाइल का नाम सेट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है DOCX। फाइल का नाम हमने रखा क्लास 01 और यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरफेस इंट्रोडक्शन और जैसे ही क्लिक करके सेव किया तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। हाउ डू आई नो कि फाइल सेव हो गई है, यहाँ टाइटल बार पे मेरी फाइल का नाम आ जाएगा और देखिए मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है और जो भी मैंने कुछ इसमें टाइप किया था वो यहाँ सेव हो चुका है। वंस अगेन अगर मैं मजीद इस पर टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जो भी मैं टाइप करूंगा सेव करने के लिए बार बार मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ और फाइल में जाके यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। बात एक ही है, इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो फाइल में जाके सेवेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ब्राउज करूंगा। ये अगेन पूछेगा कहाँ सेव करनी है आपने अपनी फाइल, तो वही अपने फोल्डर में जाके मैंने फाइल को सेव किया और इस टाइम नाम रखा इसका क्लास 02 और इसका लिख रहे हैं सपोज टू बी वर्ड और यहाँ पे लिख के सेव कर दिया। ये मेरी फाइल की नाम फिर से सेव हो गया। अब मेरे फोल्डर में कितनी फाइल सेव हो गई है जाके चेक करना है, तो फाइल में गया मैंने यहाँ से क्लोज किया और यहाँ से क्लिक करके मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके मैं अपने फोल्डर में गया वर्ड फाइल्स के और यहाँ पे जाके मैंने चेक किया कि मेरी फाइल किस फोल्डर में चेक किया था ओरिजिन में, तो यहाँ मेरी दो फाइल्स हैं। यहाँ से इन फाइल्स को ओपन करने के दो तरीके हैं, एक मैं इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके डायरेक्टली उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले वर्ड खोलेंगे तो यहाँ से जाके पहले वर्ड को ओपन करें, क्लिक करने के बाद ये जब वर्ड आपके सामने लोड हो जाए तो ये तो रिसेंट में भी आपको फाइल नजर आ रही होगी जो लास्ट टाइम ओपन हुई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करें, यहाँ से ब्राउज करें और ब्राउज करने के बाद जहाँ पर आपकी फाइल सेव है वहाँ पर जाके आप इसको चेक करें कि वहाँ पे मेरी फाइल आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे जाके जैसे आप क्लिक करेंगे अपनी फाइल के ऊपर और जैसे ओपन करेंगे तो वहीं से आपकी फाइल दोबारा से ओपन हो जाएगी। फाइल को क्लोज करना है तो फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, एक न्यू फाइल चाहिए तो दोबारा से न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप लिखेंगे जो भी आपने बनाना है वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लें, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा लें, फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से इजीली कर लें और इस तरह आप इजीली इसके अंदर एक फाइल न्यू बना पाएंगे और उसको सेव करने के लिए दोबारा से सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज करेंगे और अपने फोल्डर में जाके जिसका नाम हमने रखा था ओरिजिन, वर्ड फाइल्स में जाके ओरिजिन के अंदर जाएंगे और ओरिजिन में जाके हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं क्लास 03 और फाइल 03 वर्ड वर्किंग, ठीक है, और यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी फाइल या क्रिएट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशन आप उसके अंदर इजीली कर सकते हैं, ठीक है।